नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाली के लिए समाज में अलख जगा रहे ग्वालियर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राजा बाबू सिंह ने पौधारोपण के लिए अभिनव पहल की है। सैकड़ों की तादाद में एकत्रित लोगों ने कुरसेजा के महंत स्वामी परमेश्वर दास जी महाराज के मार्गदर्शन में पचनेही गांव भर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर पौधारोपण की शुरुआत की। इस अवसर पर पंचवटी वृक्ष यानी नीम, पीपल, आंवला, बरगद और बेल सहित वृक्ष देवता की शोभा यात्रा गाजे बाजों के साथ निकाली गई। गांव में मंत्रोच्चार के बीच ग्रामीणों ने लगभग 1500 पौधे लगाए। इस दौरान उनका अपनी मिट्टी से जुड़े होने और अपनी माटी के लिए कुछ करने का जज्बा भी दिखा। इस अवसर पर लगभग 22 बीघा भूमि पर 1500 पौधे लगाए गए। 3 ट्रकों में भरकर आए यह पौधे झांसी से मंगाए गए हैं। दरअसल इस अभियान का मकसद हरियाली और पौधारोपण को जन आंदोलन बनाना है, ताकि लोग अपने आसपास के परिवेश को पर्यावरण से सराबोर रखें। बता दें कि आज हुए इस पौधारोपण का यह कार्य अभी तकरीबन 25 दिनों तक निरंतर चलेगा। बुंदेलखंड के हालात अब काफी बदतर हो चले हैं। बुंदेलखंड में कभी तालाबों की संस्कृति हुआ करती थी, वहाँ तालाब लबालब भरे हुए थे और हरित कवर काफ़ी था। पिछले कई सालों से वहाँ पे तालाबों का अतिक्रमण हो गया, पेड़ काट डाले गए। अब इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि हर साल गर्मियों में इतना विकराल सूखा पड़ता है, पानी की कमी हो जाती है, कि बुंदेलखंड का सूखा, बीमारी, लाचारी नेशनल न्यूज़ बन जाती है। तो मैंने सोचा कि वृक्षारोपण अभियान को, जल संरक्षण को एक धार्मिक स्वरूप दिया जाए। हमारे यहाँ वैसे भी पैदिक संस्कृति रही है और हमारे यहाँ वृक्षारोपण को धार्मिक मान्यता, धार्मिक स्वरूप प्रदान किया गया है। स्कंद पुराण में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि अगर एक कोई व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, एक कैथा, आम, इमली के 10 पौधे, आम के 5 पौधे, इन पौधों का रोपण करता है तो वो नरक में नहीं जाता। तो मैंने आज इन सभी पौधों को वहाँ वृक्ष देवता की पहले पूजा की गई मेरे गृह ग्राम में पचनेही बांदा में, फिर वृक्ष देवता की शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें सभी लोग सम्मिलित हुए। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि हर परिवार को कम से कम, अगर ज़्यादा आपकी सामर्थ्य है, ज़्यादा जमीन है, ज़्यादा पौधे लगाए, अगर नहीं है तो जो ये स्कंद पुराण का श्लोक कह रहा है कि एक बरगद, एक पीपल, एक नीम, एक कैथा, 5 आम, 10 इमली, ये तो आप लगाएं ही लगाएं। श्रीमान आज श्री राजा बाबू सिंह जो यहीं के मूल निवासी है, उनके निर्देशन में कार्य हो रहा है और इसकी भूरभूर प्रशंसा सब लोग कर रहे हैं और ये कार्य आगे भी सतत चालू रहेगा। प्रत्येक ब्लॉक में कल से ही हम लोग रणनीति बनाएंगे, प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 गांव में ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी और प्रयास रहेगा कि हमारे जिले के बड़े बड़े गांव। कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य है? 1500-2000। और आप जो गांव में लक्ष्य बनाएंगे उन पेड़ों का? हर गांव में प्रेरणा देंगे, प्रेरित करेंगे लोगों को कि आप पंचवटी के वृक्ष लगाएं और उनको, उनकी रखवाली करें, उनको पुनर्जीवित करें। आपको कोई सरकारी सहयोग प्राप्त हो रहा है? कोई सरकारी सहयोग नहीं, सब लोग राजा बाबू सिंह श्री आजी साहब के निर्देशन पे सब लोगों के सहयोग से। अजय राज सक्सेना, शिवपुरी की रिपोर्ट।